ओके देखिए बेटा आज हम शुरू करने वाले यूनिट सिक्स है हमारे पास केमिस्ट्री हम की तो थर्मो मतलब क्या होता है हाँ जी बेटा थर्मो मतलब क्या होता है ही। बेटा मतलब हीट ही। ही। और डायनेमिक्स मतलब क्या होता है बेटा डायनेमिक मतलब जो कंटिन्यूसली क्या होती है मोशन बिल्कुल सही जो मोशन में होती है या फिर बेटा जब हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होती है यानी ट्रांसफॉर्म होती है बेटा इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म होना या ट्रांसफॉर्म होना तो ये वर्ड कहलाता है हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स ठीक है बेटा देखिए जब हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन टेक प्लेस करते है क्या टेक प्लेस करते है कोई भी एक रिएक्शन टेक प्लेस करी जब कोई भी एक रिएक्शन टेक प्लेस करती है तो कोई भी रिएक्टेंट किसमें चेंज होता है बेटा प्रोडक्ट में चेंज होता है कोई भी रिएक्शन के अंदर जब कोई भी एक रिएक्टेंट चेंज होता है बेटा प्रोडक्ट में चेंज होता है तो आइदर इसके अंदर हीट या तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या फिर ये कौन सी रिएक्शन होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी बेटा एंडोथर्मिक थर्म थर मतलब अगेन क्या होगा बेटा हीट जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर कितनी हीट इवॉल्व हुई या एब्जॉर्ब हुई ये सारी की सारी हम स्टडी करते हैं बेटा किसके अंदर के अंदर तो थर्मोडाइने की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखी जाती है बेटा तो थर्मोडाइनेमिक्स केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है बेटा इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इट इज अ

मैक्रोस्कोपिक सिस्टम अ कोर्स ऑफ़ रिएक्शन जब कोई भी एक रिएक्शन क्या करते है बेटा अक्कर करती है तब उसके अंदर कितनी हीट ट्रांसफर हुई या चेंज हुई एनर्जी तो वो हमारे पास क्या लगती है बेटा किसके अंदर स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अब इसके अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन अराइज होता है कि ये हीट एनर्जी कि जब हम बात करते हैं बेटा किसी भी एक सिस्टम के अंदर जब हम बात करते हैं या कोई भी रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये जो एनर्जी एब्जॉर्ब भी क्योंकि एंडोथर्मिक में आप भी कहते हो कि एनर्जी क्या होती है एब्जॉर्ब होती है एंडो का मतलब होता है एब्जॉर्ब होना एक्सो मतलब एग्जॉस्ट की तरफ बाहर निकाल देना यानी एनर्जी क्या करना रिलीज करना ठीक है बेटा तो एनर्जी इसके अंदर क्या होती है एबजॉर्ब हुई या रिलीज हुई तो एनर्जी आई कहां से और कहां चली गई तो इसको जब स्टडी करते हैं बेटा तो हमें वर्ड यूज करना पड़ता है दैट इज यूनिवर्स क्योंकि आप भी जानते हो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन सा होता है यूनिवर्स है सारी एनर्जी का जो सोर्स होता है वो कहां से आती है यूनिवर्स से आती है ठीक है बेटा कहां से आती है यूनिवर्स से अब इसके बाद एक सेकेंड रखना बेटा इज कॉलिंग सॉरी क्लास एक्चुअली में हाँ जी बेटा शुरू करते हैं वापस आते हैं अपनी क्लास में रिकॉर्डिंग स्टार्ट अगेन हाँ जी बेटा तो हम बात करते बेटा जो हमारे पास सोर्स होता है एनर्जी का वो क्या होता है यूनिवर्स और ये जो यूनिवर्स होता है बेटा दिस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स एक हमारे पास होता है सिस्टम एंड दूसरा सेकंड इज यूनिवर्स सराउंडिंग तो जो यूनिवर्स होता है बेटा ये हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड होता है जैसे फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा ये हमारे पास यूनिवर्स है जब हम बात करते ये क्या है पूरा हमारे पास यूनिवर्स और उसके अंदर छोटा सा पार्ट जो होता है ये हमारे पास सिस्टम और बचा हुआ पार्ट सारा क्या होगा ये हमारे पास कहलाएगा सराउंडिंग अब सिस्टम और सराउंडिंग क्या होता है वो स्टडी करते हैं बेटा देखिए हां जी बेटा अभी तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए अब देखिए बेटा डेफिनेशन डेफिनेशन है वो हम बात करते हैं आपको ऐसा बेटा जो यूनिवर्स का वो पार्ट जिसको हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं जिसको हम क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं उसमें देखते हैं कि क्या चेंज हुआ क्या नहीं हुआ तो वो सारा पार्ट कहलाता है बेटा हमारे पास सिस्टम

किसको ऑब्जर्व करें हम इस बोतल को ऑब्जर्व करें तो उस टाइम पे ये जो बोतल है ये हमारी क्या कहलाएगी सिस्टम और इसके अलावा जितना पार्ट बच जाएगा विच इज नॉट अंडर ऑब्जर्वेशन वो सारा कहलाएगा सराउंडिंग और इस बोतल को और सराउंडिंग को मिलके हमारे पास बनता है क्या बेटा यूनिवर्स ठीक है बेटा अब इस सराउंडिंग को और इस सिस्टम को कौन सेपरेट कर रहा है ये कांच की बोतल की जो आप देख रहे हो लेयरिंग ये तो ये हमारी कहलाती है वॉल्स और दिस इज कॉल्ड बाउंड्री यानी दोज बाउंड्री विच सेपरेट अ सिस्टम और द वॉल्स विच सेपरेट अ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर कोल्ड बाउंड्री उन्हें क्या कहा जाता है बेटा बाउंड्री कहते हैं और ये बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है इमेजिनरी कैसे बेटा जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ अर्थ जब हम अर्थ की बात करते हैं बेटा हम क्या लेते हैं अर्थ को मैंने एक एग्जांपल एक लिया अर्थ का तो जब हम अर्थ के टेम्परेचर को नोट करते हैं अभी जैसे आप देख रहे हो बेटा इसके अंदर क्या हो रहा है डे बाय डे अर्थ का टेम्परेचर अभी जब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर तो टेम्परेचर डाउन जा रहा है और उसके अंदर पोल्यूशन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है अब ये पोल्यूशन कितने लेवल तक जा रहा है कि ये सिर्फ हमारे जो जिस हम जो प्रोपोस्फेयर है उसी के अंदर है स्टेटोस्फेयर के अंदर है तो क्योंकि लेयर्स के बीच में यानी जब फेस की बात करते हैं बेटा हम एटमोस्फेयर की बात करते हैं तो उस उनकी लेयर्स को हमने क्या कर रखा है सेपरेट कर रखा है बट जब आप ऊपर की तरफ मूव करते तो आपको कोई इस टाइप से कोई फिजिकली बौर्ण, फिजिकली बौर्ण, वो क्या कहते हैं बॉर्डर नहीं दिखाई देता बाउंड्री नहीं दिखाई देती तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं उस बाउंड्री को क्या मान लेते हैं इमेजिनरी मान लेते हैं तो वो उस टाइम पे क्या कहलाएगी इमेजिनरी बाउंड्रीज और अभी इसके अंदर इस बोटल के अंदर ये क्या है रियल ठीक है बेटा तो हमारे पास जो बॉल्स होते हैं ये रियल्स भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है हां जी बेटा तो शुरू करते हैं हम अपना करना तो सबसे पहले हमने बात करी बेटा थर्मोडाइनेमिक्स की थर्मो मतलब क्या होता है हीट और डायनेमिक मतलब क्या होता है मोशन और ट्रांसफर करना जब कोई भी एक रिएक्शन क्या होती है बेटा प्रोडक्ट में चेंज होती है तो आइदर इट विल रिलीज हीट और एब्सॉर्ब करती है heat. तो हाउ मच एनर्जी यानी हीट जब हम बात करते हैं विच इज टाइप ऑफ एनर्जी जो हम बात कर रहे हैं बेटा तो एब्जॉर्ब हुई या हीट रिलीज हुई ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ रिएक्शन वो सारा का सारा स्टडी करते हैं किसके अंदर थर्मो के अंदर अब ये हीट आई कहां से तो अल्टीमेट सोर्स जानते हो बेटा यूनिवर्स के अंदर हीट का जो अल्टीमेट सोर्स है वो यूनिवर्स है जैसे हमारे अर्थ सन हमारा क्या है यूनिवर्स का एक पार्ट है वो क्या है सोर्स ऑफ एनर्जी ठीक है बेटा तो ये जब हमने कहा कि जो हमारे पास यूनिवर्स है ये दो पार्ट में क्या हो जाता है कैटेगराइज हो गया किसमें सिस्टम में एंड सराउंडिंग में तो सिस्टम क्या होता है इट इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन जो हम ऑब्जर्व करते हैं बेटा और कंसिडरेशन जिसको हम कंसिडर करके चलते हैं एंड जो बचा हुआ पार्ट होगा यूनिवर्स का लेफ्ट ओवर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग और सिस्टम और सराउंडिंग को कौन सेपरेट करता है बाउंड्री दिवोल्व विच सेपरेट अ अम एंड सराउंडिंग आर कॉल्ड बाउंड्री इट मे बी रियल और इमेजिनरी ठीक है बेटा

बिल्कुल सेम हो जाए बेटा या सिंगल हो जाए जिसमें एक टाइप के सारे के सारे क्या हो पार्टिकल्स कंटेन करता क्या हो बेटा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते है बता सकते हैं बेटा होमोजीनियस सिस्टम का फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं जैसे मैंने चीनी को क्या कर दिया वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया

अब बात करते, बात करते हैं बेटा ओपन सिस्टम की देखिए देखिये तो क्या हुआ बेटा की हम अभी हमारे स्कूल में क्या होने है पीटीएम होने वाली है अभी पीटीएम में क्या होगा ये तो वर्चुअल होगी वर्चुअल का मतलब क्या है कि मैं आप लोगों के पेरेंट्स को कॉल करूंगा एक यूट्यूब व्हाट्सएप के थ्रू

ये हमारे पास कप है ध्यान सुना और ये कप मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं बन जाए तो अच्छी बात है ये बन गया बिल्कुल सही बन गया अब क्या करा बेटा ट्रे में तीन कप चाय लेके आई ध्यान बेटा अब क्या हुआ कि तनिष्का जब चाय लेके आई तो यहां पे उसने सिर्फ इसके अंदर अभी क्या होता है कि जब हम मॉडर्न की बात करते हैं थोड़ी हाई सोसाइटी की बात करते हैं उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या करते हैं सिर्फ वो क्या कहते हैं वो उसके अंदर चाय जब बनाते हैं तो वो क्या कहते हैं ब्लैक टी बना देते हैं ब्लैक टी का मतलब क्या होता है कि उसके अंदर सिर्फ वो क्या कहते हैं चाय पत्ती चाय पत्ती ऐड कर देते हैं उसमें अभी दूध नहीं डाला अभी ये चाय पत्ती डाल रखे सिर्फ उसको छान के डाल दे, तो ये अभी क्या कहलाएगा सिस्टम है क्या है होमोजीनियस सिस्टम अब क्या हुआ बेटा इस होमोजीनियस सिस्टम पे ये क्या कहते हैं क्या लेके आई ओपन करके लेके आई बिल्कुल अब एक मक्खी क्या थी उड़ते हुए आई और मक्खी मतलब थोड़ी सी ये मक्खी थोड़ी बड़ी है उड़ते हुए आई और इसके अंदर चली गई आप बताइए बेटा ये होमोजीनियस हो गया सिस्टम हो गया हाँ भाई हेट्रोजीनियसियसोजीनियस सिस्टम अब क्या हुआ मक्खी गिर गई अब तनिष्का ने मेरी तरफ देखा कि सर देख नहीं रहे उसने क्या करा मक्खी को निकाल के फेंक दिया अब वापस सिस्टम कैसा हो गया होमोजीनियस अब भाई मैंने देख तो लिया, लिया। पिए या ना पिए अब क्या हुआ और अब मैंने क्या देखा बेटा ये थोड़ी देर के बाद जैसे हम बात करने लगे उसके पेंट ने कहा सर चाय पी लीजिए जल्दी वो मेरे को कहते हैं सर चाय पी लीजिए क्यों पी लीजिए क्योंकि वो कहते हैं ठंडी हो जाएगी क्यों ठंडी हो जाती है बेटा चाय थोड़ी देर बाद रखने पे

तो इसमें से मैटर बाहर निकल रहा है साथ साथ में क्या होता है कि थोड़ी देर बाद के थोड़ी देर जब हम टच करते हैं इसको कप को टच करा हमने तो इस कप को देखा टच करके तो ये क्या था हीट तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ बेटा हीट ये यहाँ पे हीट ऑब्जर्व करनी हुई हमारे पास और आफ्टर सम टाइम तो ये चाय कप क्या हो गई ठंडी हो जाती है कप ठंडा हो जाता है क्यों ठंडा हो जाता है बेटा आप मुझे बताइए हीट एनर्जी कहां से कहां चली गई हाँ जी सर सिस्टम से सराउंडिंग में बिल्कुल सही हीट एनर्जी सिस्टम से हमारे पास कहां चले गई सराउंडिंग में चली गई तो ठीक है बेटा तो ऐसा सिस्टम यानी ओपन सिस्टम में क्या होता है बेटा मैटर एज वेल एज हीट एनर्जी एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में सिस्टम के बीच में एंड सराउंडिंग के बीच में ठीक है बेटा तो हम जब बात करते हैं सिस्टम इज सेट टू बी एन ओपन सिस्टम इन विच उसे तभी कहा जाएगा जब उसके अंदर से मैटर एज़ वेल एज हीट इज एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग जिसके अंदर बेटा हीट एनर्जी और कौन सी एनर्जी मैटर दोनों ही एक्सचेंज होते हैं किसके बीच में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दैट इज कॉल्ड ओपन सिस्टम अब क्या हुआ बेटा मैंने क्या कर दिया ऊपर से इस कप को थोड़ी देर के बाद दूसरे के घर गए दूसरा हम गए विशाल बंसल के घर चले गए जब हम विशाल बंसल के घर गए तो मैंने पीछे वाली कहानी रिपीट कर दी विशाल के सामने पहले भाई विशाल मैं मैंने ऐसे -ऐसे के घर अब उसने क्या विशाल ने इसको, ऐसे कवर नो सर no, no, तो no, बिल्कुल no, नहीं जा सकती और देखिए बेटा तो मैटर बाहर से अंदर भी नहीं आ सकता और दूसरी जो भाप अंदर से वो अंदर से बाहर की तरफ जा रही थी अब वो भाप बाहर जा है सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है बिल्कुल सर no, सही तो ये इस टाइम पे क्या लाएगा क्लोज सिस्टम अब मुझे बताइए इसको कवर करने के बाद क्या ये जो कप है इसकी जो चाय इसके अंदर थी वो आधे घंटे के बाद गर्म रहेगी या ठंडी हो जाएगी बताइए बच्चों ठंडी हो जाएगी ठंडी तो होगी तो यहाँ पे मैटर क्या करता है मैटर तो एक्सचेंज नहीं करता बट

बेटा घर में थर्मोफ्लास्ट मिल्टन की बोतल सिंपल सी बात सर yes, आप जब मिल्टन so, की बोतल में मिल्टन की बोतल में आप गर्म पानी डालते हो तो लगभग आधे घंटे तक वो गर्म रहता है ठंडा हो जाता है गर्म गरम गरम रहता है गरम तो ऐसे सिस्टम को बेटा जिसमें हीट एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज नहीं होते बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग दैट आर कोल्ड आइसोलेटेड सिस्टम देखो क्या लिखा हुआ है नाइदर A system is said to be is said to be an isolated system in which neither matter nor heat is exchanged between system and surrounding. बेटा जिसमें ना तो मैटर एक्सचेंज करता है ना ही हीट एनर्जी एक्सचेंज करती है बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग तो ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या कहते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम ठीक है तो ये हमारे पास कल तो डिफरेंट टाइप्स के ये सिस्टम हो गए बेटा तो ये हमने पढ़ा अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आते वेरिएबल्स अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं बेटा ध्यान सुना वेरिएबल्स वो होते बेटा दो वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब आई इट्स मेजरेबल प्रॉपर्टीज और सिंपल हम बात करें बेटा कि जो सिस्टम की मेजरेबल प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करे जैसे हमारे पास कोई भी एक सिस्टम है ये मेरे पास एक बोतल है जैसे ये है ये जैसे ये ये वाली बोतल बोतल है बेटा बेटा हो गई अब इसकी सिस्टम के यहाँ पे मैंने एक वॉल्यूम फिल कर रखा है मैंने इसके अंदर पानी भर रखा है तो इसका वॉल्यूम कितना है यानी सिस्टम की क्या बता रहा है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को बता रहा है क्या बता रहा है बेटा क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को जो यानी मेजरेबल क्वांटिटी होते या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज को जो एक्सप्रेस करते हैं टेम्परेचर कितना है अगेन क्या, क्या है इसमें नंबर ऑफ मॉलिमाउंट कितनी है तो दीज आर द्वानिटीज ये सारी के सारे क्या होते हैं बेटा मेजरेबल क्वान्टिटीज होती है जो हमें किसके बारे में बताती है किसी भी एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में क्या है? Express करती है एक्सप्रेस करती है क्या करती है बेटा किसी भी एक सिस्टम की प्रॉपर्टीज को एक्सप्रेस करती है तो ये सारी वेरिएबल्स कहलाते हैं क्या वेरिएबल्स लाइक प्रेशर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा पी से टेम्परेचर टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं टी से मास डेंसिटी डेंसिटी को बेटा हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा सा हाँ जी एंड अमाउंट और अमाउंट को हम डिनोट करते हैं एंड से और ईटीसी तो हमारे पास वेरिएबल्स कितने टाइप्स के होते हैं जब हम बात करते हैं बेटा तो वेरिएबल्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं एक हमारे पास होता है स्टेट फंक्शन या उसे हम कहते हैं स्टेट वेरिएबल्स और दूसरे होते हैं हमारे पास पाथ वेरिएबल्स या इसे हम कहते हैं स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन हाँ जी बेटा सबसे पहले जब हम, हम हमारे सिलेबस में स्टेट फंक्शन है तो यही एक्सप्रेस करते हैं बेटा जब हम स्टेट फंक्शंस की बात करते हैं तो स्टेट फंक्शंस होते कौन से ध्यान से देखिए बेटा ऐसे फंक्शन जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करते हैं देखिए अब स्टार्टिंग में जब मैं इस पैन को लेके आया था तो ये इसका जो रेट था वो कंप्लीटली फिल था अब मैं इसे कब जी बेटा स्टार्टिंग में हम खरीद के लाए क्योंकि ये जो ये हमारे पास फिल था जब वन सेकेंड यू मे सेकेंड बेटा ओके बेटा देखिए बेटा स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं सिमरन बेटा देख ध्यान सुनो तो हमने कहा कि जब मैं स्टार्टिंग में ये पेन लेके आया तो ये फुल था और आफ्टर सम टाइम यानी कुछ समय के बाद ये खाली हो गया तो हमने क्या देखा इनिशियली इसको देखा कि ये फुल तो हमने क्या देखी थी इसकी इनिशियल स्टेट फुल था और खाली होने के बाद इसकी फाइनल स्टेट देखी बीच में हम हमने देखा कि हमने सिर्फ क्या देखी इसकी इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऐसे बेटा फंक्शन जिसकी हम सिर्फ इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट को स्टडी करते हैं बेटा और उसके पाथ को रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे रीच करा कि एक पेन कैसे खाली हुआ किस-किस ने यूज करा हमने सिर्फ क्या देखा इनिशियल स्टेट देखिए और क्या देखी फाइनल स्टेट तो ऐसे फंक्शंस जिसकी हम क्या देखते हैं इनिशियल स्टेट देखते हैं और फाइनल स्टेट देखते हैं दैट आर कॉल्ड पाथ फंक्शंस ओ सॉरी स्टेट फंक्शंस कहलाते हैं क्या कहलाते हैं बेटा वो स्टेट फंक्शंस तो सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है बेटा तो हम बात करते हैं रोस फंक्शंस व्हिच डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल स्टेट जो किस पे डिपेंड करते हैं इनिशियल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करते हैं ठीक है बेटा ओनली नॉट ऑन द पाथ जो किस पे डिपेंड नहीं करते पाथ पे डिपेंड नहीं करते है. सिस्टम कैसे रीच करा वो नहीं देखा तो वो कहलाते है हमारे state functions. कौन -कौन से होते हैं बेटा एक-एक करते हुए हम इसको express करेंगे Volume, pressure, temperature. ये सारे के सारे के क्या है बेटा हमारे पास स्टेट फंक्शन <coughs> <coughs> दूसरी हम बात करते हैं बेटा हमारे पास क्या होते हैं पाथ फंक्शंस होते हैं बेटा वो फंक्शंस होते हैं जो डिपेंड करते हैं पाथ पे हाउ द सिस्टम इज रीच

ये हमारे पास कहलाते हैं बेटा पाथ फंक्शन जो किस पे डिपेंड करते हो पाथ पे डिपेंड करते हैं वे कहलाते हैं हमारे पास पाथ फंक्शन हां नेक्स्ट हमारे पास आते हैं दो प्रॉपर्टीज इसके ऊपर डिपेंड करती है फंक्शन के ऊपर पहली हमारे पास होती है बेटा जब हम बात करते हैं एक हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हाँ जी बेटा देखिए पहली बात तो हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में ध्यान सुना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती है देखिए बेटा ये मेरे पास एक सिंगल पेज है जब मैं इसको बर्न करता हूं ध्यान सुना ये मेरे पास एक सिंगल पेज है जब मैं इसको बर्न करता हूं और ये मेरे पास एक कॉपी है जिसको मैं बर्न करता हूँ पूरी की पूरी नोटबुक को बर्न कर रहे हैं तो मुझे बताइए किसमें से हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी इस पेज में से या इस नोटबुक के अंदर से पेज में से बिल्कुल सही बेटा पेज में से होगी हीट ज्यादा प्रोड्यूस या इस नोटबुक के अंदर से देखो मैं पहले बता रहा हूं इस नोटबुक के अंदर देखो कितने सारे पेजेस है चेक करो अब चेक करना अब मुझे बताओ क्योंकि ये पूरी नोटबुक मैं एक एक करते हुए इसको बंद करूंगा एक एक पेज को निकालते हुए इसमें से अब मुझे बताइए किस पे डिपेंड करेगी बेटा जब हम बात करते हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती है अमाउंट पे डिपेंड करती हो आप भी जानते हो पेपर में से ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगी एज कंपेयर टू तो इस कॉपी की बात करते हैं तो जो बेटा प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है जो अमाउंट पे डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है दैट आर कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है बेटा वे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती है जैसे अभी मैंने कहा जो हमारे पास है जो टेम्परेचर चेंज होगा या हीट प्रोड्यूस होगी वो किस सारी किस पे होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है बेटा जो किस पे डिपेंड करती है अमाउंट पे डिपेंड करती है वे सारी की सारी क्या होगी हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज दूसरी हमारे पास होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात क्या करते हैं बेटा ध्यान सुनो इंटेंस प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होते बेटा जो डिपेंड नहीं करती व्हिच डू नॉट

दूसरी बात मुझे बताइए ह्यूमन बॉडी अब कोई भी बंदा कितना भी भारी क्यों ना चाहे वो सौ किलो का हो चाहे दस ग्राम का तो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है बच्चों बेटा मुझे एक बार क्लियर नहीं आया गुब्बार से बोलना का बेटा थर्टी सेवन डिग्री एवन और डिग्री फारेनहाइट ओके 37 ओके ओके हां बिल्कुल थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं और एटी जब हम बात करते हैं बेटा तो एटी डिग्री डिग्री की बात करते हैं ये ह्यूमन बॉडी रहता है बेटा चाहे वो आदमी सौ किलो का क्यों ना हो चाहे वो एक सौ बीस किलो का क्यों ना हो बेटा ठीक है बेटा के की बात करते हैं चाहे वो आपका मेरे जैसे सेवन का हो या एंसी का जैसा अभी मुझे नहीं पता टू गर्ल्स की बात करते हैं तो मोस्टली जो रहता है वो 50 केजीज के अराउंड के रहता है तो 50 क्यों ना हो तो हर एक का जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो क्या रहेगा सेम तो ये सारी प्रॉपर्टीज अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती तो वो कहलाती है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ठीक है बेटा तो हम अगेन रिपीट करते हैं डेफिनेशन को ध्यान से देखिए बेटा

डिपेंड नहीं करती क्वांटिटीज के ऊपर तो ये हमारे पास कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अब हम बात करते हैं जो हमारे पास आता है फर्स्ट फंक्शंस की बात करते हैं तो फर्स्ट फंक्शन हमारे पास क्या होता है हीट और हीट को जो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वो हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से हां जी बेटा देखिए बेटा जब हम बात करते हैं हीट की किसकी बात करते हैं हीट की अब किसी भी एक सिस्टम में से हीट का, हीट का में से हीट हीट कब पता लगे कि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है या रिलीज हो रही है एब्जॉर्ब कर रही है तो हम क्या करते हैं बेटा जब उसके अंदर कोई भी टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है देखो जैसे अभी मैंने अपने आप को टच करा मुझे हीट फील नहीं हो रही और जैसे मैं इसको बीट करता हूं तो थोड़ी देर बाद क्या होगा अब जब पहले टेम्परेचर रिकॉर्ड करा था उसके बाद वाले यानी मैंने थर्मामीटर लगा के देखा तो टेम्परेचर बाद में क्या हो गया इंक्रीज हो गया बेटा तो इस टाइप से टेंपरेचर क्या हो गया इंक्रीज हो जाए या फिर इसके ऊपर क्या करेंचर नोट और 5 के बाद मैंने क्या हो तो 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 गया डाउन चला गया तो हीट हमेशा क्या कहलाती है बेटा हीट को जब डिफाइन करते हैं तो ये कहलाती है चेंजिंग टेम्परेचर ठीक है तो सिंपल सी डेफिनेशन की बात करते हीट को हम डिफाइन करते हैं एक्सचेंज ऑफ Energy which occurs on account of temperature difference, on the account of temperature difference between system and surrounding, system and surrounding. और हीट को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा और ध्यान से सुना जब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की किसकी बात करते हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं उस टाइम पे हीट चेंज सिस्टम से ना अंदर आता ना ही सिस्टम से कोई भी हीट एनर्जी अंदर नहीं आती ना ही अंदर से बाहर जाते तो उस टाइम के लिए जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है चेंज इन हीट एनर्जी डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है चेंज को ठीक बेटा तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज तो उस टाइम पे चेंज इन हीट एनर्जी क्या होती है जीरो होती है ये चीज चेंज इन हीट एनर्जी क्या होगी जीरो अब हमारे पास क्या होता है बेटा सेकंड हमारे पास आता है वर्क डन क्या कहते हैं हम वर्क डन और बेटा ध्यान सुना जब भी हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो वॉल्स होती है ध्यान सुना वॉल्स ऐसी वॉल्स को हम क्या कहते हैं आइडियाबेटिक वॉल्स कहते हैं और ऐसे सिस्टम को कई बार आइडियाबेटिक सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि आइडियाबेटिक सिस्टम वो होते हैं बेटा या वॉल्स जिनकी जो हीट को ना ही सिस्टम से बाहर जाने देती है ना ही बाहर से अंदर आने देती है तो ऐसी वॉल्स को हम कहते हैं आइडियाबेटिक वॉल्स तो इस टाइम पे हीट एनर्जी क्या होती है उसकी जीरो होती है नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा वर्क कर, या वर्क की बात करते हैं और वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डब्ल्यू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से हाँ जी बेटा जब आपको वर्क की डेफिनेशन दी जाती है तो वर्क क्या होता है बेटा <coughs> हाँ जी बेटा एनी वन वर्क वट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क हाँ जी बेटा टेंथ में पढ़ा है या नहीं पढ़ा जल्दी बताओ क्या होती है वर्क की डेफिनेशन बच्चों जल्दी बताओ बेटा वर्क की क्या डेफिनेशन होगी फोर्स सीज पोजीशन फोर्स डिवाइडेड टू देखो बेटा जब हम बा... तो वर्क क्या होता है जब हम फोर्स इनटू जब हम बात करते हैं कि जब को जब कोई भी एक सस्थ... वो कोई भी एक हम किसी भी सब्सटेंस को फोर्स अप्लाई करते हैं उसकी पोजीशन क्या हो जाए चेंज हो या चेंज इन पोजीशंस की बात करते हैं तो सिंपल वो क्या कहलाता है वर्क डन ठीक बेटा तो वर्क इज अनदर टाइप ऑफ जब हम बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं तो वर्क इज अनदर मोड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग ठीक है बेटा और जब हम बात करते हैं तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है बेटा आप भी जानते हैं वर्क इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देखिए बेटा इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए अभी मेरे पास एक सिस्टम है ये हमारे पास एक पिस्टन है जब हम बात करें क्या है बेटा ये पिस्टन तो मैंने क्या करा बेटा यहां पर एक वोल है इस टाइप से ये क्लोज है अब क्या कर रहे है बेटा ये पिस्टन देखो ये पिस्टन टाइप है यहां पे इसका वॉल्यूम अभी है जब हम बात करते हैं इसका वॉल्यूम वन अब इस पिस्टन पे हम क्या कर रहे हैं बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं क्या अप्लाई कर रहे हैं बेटा प्रेशर मैं इस पे प्रेशर पी एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूं अब जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये पिस्टन क्या करेगा नीचे की तरफ मूव करता चला जाएगा और कब तक मूव करेगा बेटा जब तक इसका एक्सटर्नल इसके इक्वल एक ना हो जाए P इंटरनल के जब प्रेशर अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर दोनों से नहीं हो जाते बेटा तब तक ये क्या करता रहेगा चेंज होता रहेगा तो ये हमारे पास हो गया v2 और ये इसने क्या कर ली बेटा डिस्प्लेसमेंट कर ली और इस डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं एल से ये हमारे पास क्या हो गई डिस्प्लेसमेंट ठीक है बेटा आप देखिए तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा बेटा चेंज इन वॉल्यूम जल्दी बताओ बेटा क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम अरे बता दो बेटा जल्दी क्या होगा चेंज इन वॉल्यूम तो ये होगा बेटा V2 टू माइनस वी वन ठीक है बेटा अब देख रहे हो आप साफ साफ देख रहे हो V2 क्या है कम है और V1 क्या है ज्यादा तो चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा नेगेटिव हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा नेगेटिव क्योंकि वॉल्यूम क्या कर रहा है बेटा नेगेटिव सिस्टम क्या कर रहा है नेगेटिव चीज दिखा रही है हमारे पास कि वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है और नेगेटिव का दूसरा मतलब ये होगा कि वर्क इज डन जब हम बात कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है एक्सपेंशन हो रहा है तो ये नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि वॉल्यूम क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज इन वॉल्यूम अब जब हम बात करते हैं बेटा फोर्स की तो फोर्स का आप भी जानते हैं बेटा फॉर्मूला क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इन टू एरिया और साथ में क्या हो गया बेटा ये तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट प्रेशर पी से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया ए इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी ये एल और आप भी जानते हैं बेटा एरिया इंटू हाइट

यहां पे इसका दूसरा फॉर्मूला क्या आता है डब्ल्यू इज इक्वल टू में ध्यान सुना माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो हमारे पास इसका सेकंड फॉर्मूला है और बॉयल्स लॉ भी जानते हैं बेटा आप पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू बी टू ये हमारे पास क्या है बॉयल्स लॉ तो V2 ओवर V1 देखो इसको यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा V2 टू ओवर क्या हो जाएगा P1 upon अपॉन तो W is equal to minus 2.303 थ्री जीरो थ्री एन आर ये हमारे पास इसका फॉर्म ला गया अब ये आया कहां से वो देखिए बेटा जल्दी बताता हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है देखो बेटा W इज इक्वल टू में माइनस का इंटीग्रेशन कर दीजिए इसको P इंटीग्रेशन का मतलब है विद इन द प्रॉपर लिमिट्स वॉल्यूम V1 से किस में चेंज हो रहा है V2 तो इनिशियल से फाइनल तक जाते हैं और डेल्टा V प्रेशर कॉन्सेंट था बाहर ले लिया हमने ओ oh, सॉरी P डेल्टा V यहां पे इस स्टेप और आप भी जानते बेटा आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है हमारे पास वो क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन PV is equal to NRT. So तो P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा NRT by V. ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए W is equal to minus V2 by V1 NRT by V delta V. NRT क्या है इसके अंदर कांस्टेंट इसको पूरे को बाहर ले लीजिए माइनस NRT V1 से V2 तक डेल्टा V बाय V हाँ जी बेटा दिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x क्या होता है बे एनीवन इंटीग्रेशन हुआ ही नहीं हुआ बताइए पहले बता दीजिए बेटा ये तो फिर मैं आगे करता हूँ नेक्स्ट ओके बेटा तो ये होता है हमारे पास log x ध्यान सुना बेटा इसका फार्मूला क्या होता है log x और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं बेटा नेचुरल लॉग लेते हैं और उसमें मैथमेटिक्स में आप कॉमन लॉगरिथम लेते हैं तो केमिस्ट्री और उसमें क्या डिफरेंस है ध्यान सुना कि मैथमेटिक्स

v v1 to v2 और आप भी जानते हैं बेटा जब हम निकालते अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल एन वी टू माइनस एल एन वी वन और A log ए माइनस लॉग बी ये होता है लॉग ए बायू बाय वी वन और फिर उसको हम क्या करते हैं बेटा इस कॉमन लॉगरिथम में चेंज करते हैं जिसका बेस टेन होता है तो माइनस टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री एन आर टी लॉग वी टू बाय ये हमारे पास डब्ल्यू का फॉर्मूला आ गया इस टाइप से ठीक है बेटा तो ये हमारे पास क्या है डब्ल्यू का फॉर्मूला ये चीज याद रखना बेटा हां जी बेटा इसमें कोई डाउट इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इस सिर्फ हमारे सिलेबस में बेटा ये दो यही अकेला फॉर्मूला है ये फॉर्मूला अब नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल में नहीं आता ठीक है तो ये फॉर्मुला यूज हो गया अब हमारे पास ये दो फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिया बट आपको याद होने चाहिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ जाते बेटा इसके न्यूमेरिकल्स ठीक है अब हम बात करते बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है इंटरनल एनर्जी क्या आता है इंटरनल एनर्जी जब हम बात करते बेटा इंटरनल एनर्जी की तो इंटरनल एनर्जी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं यू से रिप्रेजेंट करते बेटा अब इंटरनल एनर्जी होती क्या है बेटा इंटरनल मतलब जब हम किसी भी एक सिस्टम को स्टडी करते हैं तो सिस्टम की टोटल एनर्जी यानी सिस्टम के अंदर की एनर्जी तो सिस्टम के अंदर की टोटल एनर्जी का जो सम होता है दैट इज नोन एज इंटरनल एनर्जी उसको हम क्या कहते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी कहते हैं क्या कहते हैं इंटरनल एनर्जी तो इसकी जो डेफिनेशन होती है बेटा वो दो डेफिनेशन हमारे सिलेबस में ध्यान सुनिए

अब इसके बाद बात करते हैं बेटा आल्सो इट इज आल्सो डिफाइंड एज द चेंज इन हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसी भी एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर जब भी कोई इंटरनल कोई भी हीट चेंज होती है तो भी वो किससे डिनोट करती है इंटरनल एनर्जी से और डेल्टा का मतलब हो गया चेंज और यू का मतलब इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी कभी भी एक सिस्टम की कब चेंज होती है बेटा ध्यान सुना जब कोई भी मैटर एंटर करता है अब देखिए बेटा जब कोई भी मैटर एंटर करेगा आप देखिए सिंपल सी बात कर रहे हैं अब इसके अंदर से क्या कर लिया ध्यान से देखो अब मैंने क्या करा है पैन को खाली कर दिया अब इस पैन पैन का जब वेट लेंगे तो वो कम आएगा तो पैन के अंदर जैसे ही कोई मैटर एंटर करेगा तो ऑटोमेटिकली मैटर की जो एनर्जी है या फिर हम बात करते हैं इंटर एनर्जी क्या कर जाएगी इसकी इंक्रीज कर जाएगी वेट इंक्रीज कर गया तो और जैसे ये लीव करेगा तो डिक्रीज कर जाएगी तो मैटर जब एंटर करता है तो उसके अंदर हमेशा क्या होगा प्लस का साइन ऐड हो जाएगी और जब लीव करेगा किसी भी सिस्टम को तो किसका और जब बाहर चले जाते तो किसका साइन आता है तो नेगेटिव का सिस्टम अगेन क्या होती है एनर्जी चेंज होती है वर्क इज डन बाय सिस्टम जब हम बात करते हैं या तो सिस्टम के द्वारा काम किया जाए या वर्क डन ऑन द सिस्टम जब हम कोई भी कोई सिस्टम वर्क करेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं कह दू अभी विशाल को कह दू विशाल भागना शुरू करो पार्क के दस चक्कर काटिए तो वर्क कौन कर रहा रहा है है सिस्टम कर तो धीरे धीरे विशाल की एनर्जी क्या होगी इंक्रीज करेगी बेटा डिक्रीज करेगी ऑटोमेटिकली सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी यदि कोई भी सिस्टम वर्क करता है तो उस टाइम पे क्या हो जाएगी नेगेटिव वर्क इज डन बाय द सिस्टम नेगेटिव और जब कोई सिस्टम को हम एनर्जी देंगे यानी वर्क

हाँ जी बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है yes, क्या होता है तो यही हमारे पास क्या लाता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स तो इसके लिए हम कहते हैं बेटा फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो एनर्जी होती है वो क्या होती है कंजर्वड होती है क्या होती है कंजर्व और इसी को हम ठीक है बेटा कंजर्व का मतलब वो सेम रहती है

और ये कॉपी में भी लिखना है मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा इसमें स्टेट फंक्शन एक्सप्लेन क्योंकि बेटा जब हम बात करते हैं Q प्लस डब्ल्यू आपका क्या होता है इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोनिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू एंड दे सम यानी Q plus W का जो सम होता है डेल्टा U इज अंटरनल एनर्जी का बेटा है इंटरनल एनर्जी एनर्जी हमारे पास क्या होती है, एक होती है. तो ये वाला न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए बेटा तो ये फर्स्ट लॉ के ऊपर डिफाइन आती है बेटा इस टाइप से न्यूमेरिकल ठीक है बेटा आज फिर हम क्या करते हैं यहां तक करते हैं और साथ में एक न्यूमेरिकल कराता हूं जो आपको करके लाना है बच्चे ठीक है उस टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड करेंगे तो ये जो हमारे पास न्यूमेरिकल है बेटा ये एनसीआर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेवेंथ क्वेश्चन क्या है बेटा ध्यान सुनो इन अ प्रोसेस सेवन वन जूल ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब ध्यान सुना बेटा एब्सॉर्ब और जब एब्सॉर्ब का साइन आ गया तो एब्सॉर्ब का मतलब हो गया प्लस और हीट को रिप्रेजेंट करते हम किससे q से 8 को किससे रिप्रेजेंट करते हैं q से तो देखिए बेटा तो ये हमारे पास जो q आ गया वो क्या हो गया q +701 जूल 01 जूल ठीक है बेटा अब हमारे पास क्या है 394 94 जूल ऑफ वर्क इज डन डन बाय द सिस्टम को जब कोई सिस्टम वर्क करता है तो अभी मैंने कहा था जब कोई भी वर्क करेगा सिस्टम तो उस टाइम पे कैसा आनेगा नेगेटिव 394 जूल तो हमें कैलकुलेट करना है इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आप भी जानते लॉर्मोलू और ये हो गया सेवन जीरो वन माइनस में थ्री नाइनटी फोर और सोल्व करेंगे बेटा ये हमारे पास आएगा थ्री जीरो सेवन जूल तो इस टाइप से बेटा थ्री जीरो सेवन जूल हमारे पास क्या आ गई इसकी एनर्जी

और इसमें कोई दिक्कत आए तो मुझे बता देना बच्चे